नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात और आंध्र प्रदेश में बने कम दबाव के कारण पिछले एक सप्ताह से लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश होने के चलते रायसेन में खरीफ की फसलों का बड़ा ही नुकसान हो गया है। रायसेन, बेगमगंज, सिलवानी सहित जिले में कई जगह सोयाबीन, मूंग और उड़द की फसल पक जाने के बाद कटाई चल रही थी। खेतों में पानी जमा होने से कटी हुई फसल डूब गई तो कहीं जगह पर पकी हुई फसल पर ही पानी पड़ गया। हालांकि धान की फसल को बारिश से लाभ होना बताया जा रहा है, पर धान की जो फसल पककर तैयार हो गई है उसको भी नुकसान है। शनिवार, रविवार की रात और सोमवार की शाम को तेज बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं खेतों में भी पानी भराए जाने के कारण सोयाबीन की फसल पानी में डूब गई, जिस कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। सामान्य तौर पर 30 सितंबर तक बारिश को विदाई मिल जाती है, लेकिन इस बार बारिश का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी लगातार भारी बारिश का दौर बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम विभाग के अनुसार अभी भी 20 अक्टूबर तक बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद भी भारी बारिश हो सकती है और बारिश के कारण कई फसलों को नुकसान भी हो रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ में।